अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। NCR मेडिकल कॉलेज मेरठ में एक स्टाफ नर्स से स्टाफ के ही दो लोगों द्वारा दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि बलात्कार के दौरान बनाए गए वीडियो दिखाते हुए स्टाफ के ही दोनों युवक उसका लगातार मानसिक व शारीरिक शोषण कर रहे हैं। पीड़ित महिला द्वारा इसकी शिकायत खरखोदा थाना पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर महिला ने SSP कार्यालय पहुंचकर दोनों बलात्कारियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं SP देहात कमलेश बहादुर का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले सुनिए क्या बताया पीड़ित महिला ने। मेरे साथ दो लड़कों ने मिलकर बलात्कार किया है, जिसमें एक का नाम टिंकू और दूसरे का नाम उसके साथी हरिंदर है। मैं NCR हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ और उन्होंने मुझे रजिस्ट्रो के काम के बारे में ऊपर बुलाया और टिंकू ने पीछे से आके मेरा मुंह बीचा और मेरे दोनों हाथ पीछे पकड़ लिए और पैर मार के मुझे नीचे गिरा के हरिंदर ने मेरे कपड़े उतार कर मेरा बारी बारी तो उन्होंने मिलकर मेरा बलात्कार किया और मुझे मेरी असली गंदी वीडियो बनाई और कहा कि अगर मैंने किसी से भी बाहर जाकर बताया तो मेरे परिवार वालों को ये सारी वीडियो दिखा के वायरल कर देगा और मेरे बच्चों को और मेरे पति को मारने की धमकी दी। और दिरा दिन वो मुझे कभी कहीं मुझे भी नहीं पता नचेगा नींद की गोलियाँ खिलाकर मुझे होटल पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाते थे और मेरे साथ बलात्कार करते थे। और मेरे को जब मैं क्या नाम मैंने हॉस्पिटल छोड़ने को कहा तो मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर मैंने हॉस्पिटल भी छोड़ा तो भी मेरे बच्चे परिवार सबको मार दिया जाएगा। वो दोनों भी वहाँ पर स्टाफ नर्स के पद पर ही कार्य करते हैं और मैंने ये अपनी सारी दुर्घटना थाना खरखोदा में बताई तो उन लोगों ने मेरी इस घटना पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी को चलते मैं यहाँ पर SSP सर के पास आई हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिले और बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा किसी के साथ वो दरिंदे ना करें। सर मैं कल भी SSP सर के पास आई थी और क्या बोलते हैं वहाँ पर उन लोगों ने पता नहीं क्या कर रखा है कि वो लोग वहाँ से फरार और पकड़े नहीं जा रहे। उन लोगों ने वह मुकदमा नहीं चढ़ने दिया, ये मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया है, पैसे भरे हैं या क्या किया है, लेकिन उन लोगों ने मेरा भी मुकदमा नहीं चढ़ाया। इस बारे में SP देहात कमलेश बहादुर का यह कहना है। खरखोदा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने जो NCR मेडिकल कॉलेज में नर्स है उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ दो लोगों ने गलत कार्य किया है और इसमें छानबीन की जा रही है। कुछ इनके बीच पैसे के लेन देन का और एक दूसरे के घर आने जाने का भी मामला जानकारी में आया है। पूरी छानबीन की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।